अनशन पे बैठने का प्लान है यहाँ पे। पिछली बार भी हमने क्या किया है, शांति प्रिय तरीके से एक मेडल होने के बाद वापस दूसरा मेडल हो गया था, अभी वापस हो गया, फिर तीसरी घटना भी हो गई। अरे तू मेरा नाम आशीष गाडरी है और अभी 25 तारीख को शौकीन पिता रतन गाडरी की हत्या हुई थी, उसमें हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। पहले भी 29 तारीख को हम एडिशनल एसपी साहब और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से भी मिले थे, हमने निवेदन किया था कि भाई इसकी हत्या के जो भी कारण है उनका कारणों का खुलासा हो, और अगर इसमें किसी की मिली भगत है या परिवार का अगर उसके साथ में और कोई उसका साथी है तो उसकी गिरफ्तारी हो और प्रकरण की जांच सामने आए। तो उसकी जांच अभी तक हमारे सामने नहीं आई है और ना ही हमें संतुष्ट किया गया है कि इसकी जांच में ये कारण था। साथ ही हमने निवेदन किया था कि अगर इसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप या और किसी वजह से जांच प्रभावित हो रही है तो थाना क्षेत्र चेंज किया जाए, और ये हमने श्रीमान से निवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक उसका थाना क्षेत्र भी परिवर्तित नहीं हुआ है। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर कोई दिक्कत है तो उसकी थाना क्षेत्र चेंज करने के बाद ही उसकी सही जांच हो पाएगी और उसके आधार पे ही सही रिपोर्ट होगी कि क्या कारण था और क्या नहीं था। और साथ ही उसी दिन उसके अगले दिन एक किशन लाल पिता पृथ्वीराज गाडरी निवासी बेगमनिया की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होती है, लाश मिलती है और उसके बाद उसकी जो जांच प्रकरण जो चल रहा है उसे भी 7 दिन हो गए सर, अभी तक उसमें ये खुलासा नहीं हुआ है कि उसकी मृत्यु है या संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या है, क्योंकि जब तक उसकी जांच सामने नहीं आएगी तब तक हम ये कैसे मान लें कि उसकी साधारण परिस्थितियों में मृत्यु है या उसकी हत्या हुई है। और अगर उसकी हत्या हुई है तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और उसके परिवार को न्याय दिया जाए। वही तो जो लगेगा वही तो करेंगे।